नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है उस स्टॉक मार्केट को चलाने वाले लोग। वो कौन है? क्या आप और मेरे बाइंग करने से बाजार चल जाता है? क्या मेरे आपकी सेलिंग करने से बाजार गिर जाता है? जी नहीं, मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि स्टॉक मार्केट एक नंबर गेम है, और ये नंबर गेम ड्राइव करते हैं FIs एंड FPIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमारे मार्केट को ड्राइव करते हैं। 1992 से पहले हमारे देश में कोई FIs नहीं थे, बट अगर 1992 के बाद को देखा जाए तो FIs आते चले गए, इंडिया एक हॉट फेवरेट हो गई, और आज की डेट में इंडिया एक हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंडिया का रैंक इस टाइम नंबर 1 है FIs की नजर में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस है आपको ऐसे कुछ चुनिंदा शेयर सामने लेके आना जहां पे FIs अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। जी हां, अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर एंडिंग क्वार्टर को देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाइंग देखने को मिली है FIs की तरफ से। अगर हम FIs कैसे स्टॉक्स पकड़ में आ जाते हैं, फिर बाद में अगर अपना एनालिसिस कर लें और FIs का और हमारा अगर एनालिसिस मैच कर जाए तो हम ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट हां, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे स्टॉक्स जरूर जाने जिनमें FIs अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। वन बाय वन ऐसे टॉप 5 स्टॉक्स की बातें करेंगे, फिर एक एक स्टॉक्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या वाकई वो स्टॉक लेने लायक है या नहीं, बाकी फाइनल डिसीजन आपका। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक प्रेस कर दीजिए, आपका सिर्फ एक सेकंड लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। आपका ये मोटिवेशन मुझे और यूट्यूब दोनों को बताएगा कि हाँ, ये वीडियो किसी के लायक है, और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि ऐसा कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए देखते हैं वो 5 शेयर्स कौन से हैं जहां FIs अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने पूरी लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ, ये लिस्ट आपके सामने है। पहला नाम उसमें आता है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा जबरदस्त शेयर है। दीपक फर्टिलाइजर्स दूसरा शेयर है, सारेगामा थर्ड शेयर है, लोढ़ा फोर्थ शेयर है, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज फिफ्थ शेयर है। गाइस, ये तो रहे आपके सामने 5 शेयर्स, बट क्या यहीं तक बारी खत्म हो जाती है? क्या यहीं पे एक वीडियो को बंद कर देना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपका काम हो गया, 5 शेयर्स आपको मिल गए, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप इसे डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। गाइस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेप्टेम्बर से दिसंबर में, सेप्टेम्बर एंडिंग क्वार्टर को अगर देखा जाए और दिसंबर एंडिंग क्वार्टर को दिखाया है, तो FIs के बदलाव क्या हुए हैं? पहले FIs की होल्डिंग जो सेप्टेम्बर एंडिंग में 13% के आसपास हुआ करती थी, वो बढ़ के 48% हो गई है। मतलब FIs को ऐसा क्या दिखाई दे गया इस शेयर के अंदर में? गाइस, मैंने आपको कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में जरूर होगा, इंफ्रा के ऊपर जोर दिया जा रहा है। उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां आपको बजट स्पेसिफिक स्टॉक्स मिल सकते हैं, वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो। दीपक फर्टिलाइजर्स, पहले FIs की स्टेक सिर्फ 1.57% था, अब FIs ने स्टेक बढ़ा के 11.95% कर दिया, मतलब 10% स्टेक इंक्रीज हुआ। तीसरा स्टॉक रहा सारेगामा, जहां पे FIs ने 7% स्टेक बढ़ाया, पहले 9.52% था, अब बढ़ के 16.55% हुआ। लोढ़ा 6.54% चेंज हुआ है, पहले 8.73% होल्डिंग हुआ करती थी सेप्टेम्बर एंडिंग में, और दिसंबर एंडिंग क्वार्टर 2021 में 15.27% के आसपास की होल्डिंग वो होल्ड कर रहे हैं। और लास्ट नाम इसमें जो बहुत टॉप 5 शेयर्स में आता है, वहां पे 5% का उछाल, 6% का उछाल देखने को मिला है, पहले जो होल्डिंग 10.3% हुआ करती थी, अब बढ़ के 16.16% हो गई। ये है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। गाइस, ये वो 5 शेयर्स हैं जहां पे FIs चुपचाप धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, बट IRB के अंदर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। चलिए देखते हैं कि ये शेयर्स कहां से कहां गए हैं, क्या ये शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में गए हैं? मैंने आपको हमेशा से कहा है कि अगर स्टॉक प्रमोटर से FIs के पास जा रहा है या इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ये स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर्स जा रही हैं। अगर ये शेयर्स प्रमोटर से निकल के या FIs से निकल के पब्लिक के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के वीक हैंड में जा रहे हैं। चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये शेयर्स कहां से कहां जा रहे हैं, ताकि हम डिसीजन आसान हो सके हमारा डिसीजन लेना। चलिए चलते हैं फेवरेट स्क्रीनर skinner.in के ऊपर में। आपके पास कोई और स्क्रीनर हो तो वहां भी जा सकते हैं, आप किसी भी स्क्रीनर को इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे बहुत ही ईजी लगता है, स्क्रीनर बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सबसे पहला नाम जो हमारा था वो था IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए IRB को देखने की कोशिश करते हैं, IRB क्या है। IRB की डिटेल
डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हैं, कभी इसको पढ़ सकते हैं। ये प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। ये कंपनी क्या क्या करती है, सड़कें बनाती है, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट करती है, रियल एस्टेट का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर से बिलोंग करती है। तो बेसिकली ये मेंटेनेंस ऑफ रोड्स का काम भी करती है, जितनी भी सड़कें सरकार बना रही है उनके मेंटेनेंस के लिए भी IRB के पास ठेके जाते हैं, ये इसको अप्रूवल मिलती है। तो बेसिकली सारा का सारा जो खेल है इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ, सड़कों से जुड़ा हुआ, ये IRB काफ़ी अच्छे से निभाती है। कंपनी 16,000 करोड़ की कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है। बुक वैल्यू 170 रुपये की है और करंट प्राइस 270 रुपये के आसपास का कंपनी का चल रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, स्प्लिट नहीं हुई है। इंडस्ट्री का पी 21 का है और स्टॉक का पी अभी फिलहाल 57 का, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, तो यहाँ पे पी महंगा होना ही होना है। EPS 7.23 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.76% है। चेंज इन FIs होल्डिंग, मैंने आपको कहा ये होल्डिंग में चेंज हुआ है। देखिए अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई कोई चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टर कॉलम में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको समझ में क्या आता, देखिए इन्वेस्टर कॉलम में चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ माल जा रहा है। भाई प्रमोटर को अगर देखें 2019 से 2021 तक आते आते, मतलब पिछले मार्च 2019 से दिसंबर 2021 तक आते आते जो 58% के आसपास की होल्डिंग यहां तक मेंटेन्ड थी, प्रमोटर ने अपना माल बेचा और 34% के आसपास की इक्विटी प्रमोटर की हो गई। मतलब 58% से प्रमोटर घट के रह गया 34%। मतलब भैया प्रमोटर माल बेच रहा है, निकल जाओ, आपको भी निकल जाना चाहिए। दूसरी चीज, एक सिंगल एनालिसिस हमारा काम नहीं करेगा, FIs को देखने की कोशिश करते हैं। FIs जो पहले पिछले मार्च 2019 में 22% की इक्विटी होल्ड हुआ करते थे, जो गिरते 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 सितंबर तक आते आते 13.34%, देखिए गिर रहा था लगातार लगातार ग्राफ गिर रहा था और 13.34% के आसपास की होल्डिंग इनकी हो गई थी, ये बढ़ के अचानक से 48%। क्यों? शायद FIs को समझ में आ गया होगा कि भाई सरकार ने पूरा फोकस इंफ्रा के ऊपर दे दिया है, इंफ्रा के ऊपर फोकस दे दिया तो शायद IRB इंफ्रा उसमें बहुत ही मेजर प्लेयर बन सकती है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो ये भी यहाँ से थोड़ा सा माल बिका है, मतलब प्रमोटर से माल गया है, DIA से माल गया है, कहाँ गया है, ये गया है FIIs के पास में, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में। और पब्लिक ने क्या किया है, पब्लिक के पास में जहां 15% हुआ करता था उन्होंने माल बेचा है 12% के आसपास में। तो बेसिकली ये शिफ्ट ऑफ हैंड हुआ है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हैंड टू दी अनदर स्ट्रॉन्ग हैंड। तो मुझे ये सही शेयर लगता है, इसमें हम थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन आपका। दूसरी कंपनी देखने की कोशिश करते हैं कौन सी है, और दूसरी कंपनी हमारी लिस्ट में आती है दीपक फर्टिलाइजर। चलिए दीपक फर्टिलाइजर की तरफ नजर डालते हैं, इसमें क्या सिस्टम समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे भी कोई ऐसा ही शिफ्ट दिखाई दे रहा है। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी अच्छी खासी कंपनी है, 7,000 करोड़ की कंपनी है, फर्टिलाइजर्स की मेन कंपनी है। 582 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस है और 243 रुपीज़ की बुक वैल्यू से हाई मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, अभी तक ये स्टॉक भी स्प्लिट नहीं हुआ है, डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक सा देती है। इंडस्ट्री का P27% का है तो कंपनी का जो पी है 13.7, मतलब अंडर वैल्यूड मिल रही है, आप मान सकते हैं कंपनी सस्ती मिल रही है, ये समझा जा सकता है। कंपनी पिछले 3 साल का जो कैश फ्लो 1,829 करोड़ का मेंटेन कर रही है, पिछले 5 साल का कैश फ्लो 808 करोड़ के आसपास का था। मतलब अभी कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपनी की है 483 रुपीज़ की है, कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही मिल रही है तो वो भी एक फेयर प्राइसिंग हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 के आसपास है, बिल्कुल नेगलिजिबल है, बहुत ही शानदार, और कैश इक्विवेलेंट भी है 244 करोड़ रुपीज़ के आसपास में। यहाँ पे अब जो खेल है वो देख लेते हैं कि ये माल कहाँ से कहाँ जा रही है, कंपनी क्या करती है। तो आपको सब मालूम ही है पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, कंपनी का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, केमिकल्स बनाती है इंडिया में, सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे समझ लीजिए। ये कंपनी अमोनियम नाइट्रेट बनाती है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है, क्रॉप न्यूट्रिशंस बनाती है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो माइनिंग में, एक्सप्लोजिव्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, सभी में इस्तेमाल होते हैं। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन नाइट्रिक एसिड एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मतलब ये कंपनी बहुत ही लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अपने सेगमेंट में। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं ये कंपनी का शिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए यहाँ पे भी जो खेल समझ में आता है वो ये है कि ये माल भी क्या स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रहा है। पहले हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करेंगे, ये दीज आर दी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। प्रमोटर ने अपना माल बेचा है 53% से 47% के आसपास में प्रमोटर बेच रहा है। FIs की बात करें तो FIs 1.57 से 11.91 जो FIs बढ़ा रहे हैं,
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 4.9% के आसपास इन्होंने भी बेचा है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के माल यहाँ भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के आसपास जा रहा है, तो ये कंपनी भी ठीक ठाक दिखाई देती है और पब्लिक से भी माल निकल ही रहा है, पब्लिक भी माल बेच रही है, यहाँ पे भी कंपनी फिट बैठती है। तो आप बाकी एनालिसिस आपका है कि दीपक फर्टिलाइजर आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीसरी कंपनी जो हमें समझ में आई थी दैट वॉज सारेगामा। सारेगामा को देख लेते हैं, सारेगामा का क्या खेल है। सारेगामा इंडिया, सारेगामा करती क्या है ये सोच लीजिए। सारेगामा आप सबको मालूम होना चाहिए, इट इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी फ्रॉम इंडिया। 1902 में ये कंपनी बनी थी, ग्रामोफोन बनाती थी। सारेगामा के नाम से आपको समझ में आता है कि म्यूजिक की कंपनी है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। 8,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। कंपनी का पी अगर देखा है तो इंडस्ट्री का P38 का है और कंपनी का P59.7 का, थोड़ी सी महंगी दिखाई देती है। और कंपनी का EPS है 78.8 का। इंट्रेंसिक वैल्यू 700 रुपये के आसपास की, बुक वैल्यू 330 रुपये की। कंपनी ट्रेड कर रही है 4,380 के आसपास, जो कंपनी महंगी हो जाती है, वैल्यूशंस महंगी ही होती हैं। कंपनी के पास में 9 करोड़ के आसपास का पिछले साल डेट है और कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट है 152 करोड़ के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी कैश फ्री दिखाई देती है, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे जो FIs की जो होल्डिंग चेंज हुई है उसके ऊपर देख लेते हैं कि ये खेल वाकई में समझने वाला है या नहीं है। चलिए इन्वेस्टर के पास चलते हैं और यहाँ पे देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये देख लेते हैं कि कहाँ से माल कहाँ गया, स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में गया या वीक हैंड से वीक हैंड में ट्रांसफ़र हो गया, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रमोटर्स को, FIs को, DIs को। प्रमोटर के पास जहाँ 63% इक्विटी हुआ करती थी, प्रमोटर ने अपना माल बेचा है 57%, तो प्रमोटर ने माल बेचा। FIs की अगर बात करने की कोशिश करें जहाँ 9% इक्विटी इनके पास हुआ करती, 16% FIs ने बड़ा ही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 2.84% इक्विटी होती है, 3.65, मतलब DIIs भी बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रही है। और पब्लिक की अगर बात करें तो 23% से 21.9%, आप समझ लीजिए जब भी वीक हैंड और वीक हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप सारेगामा को भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा इस लिस्ट के अंदर में। नेक्स्ट स्टॉक है लोडा। लोडा क्या करता है बहुत से लोगों को शायद नहीं मालूम हुआ, लोडा की बात कर लेते हैं। लोडा का नाम चेंज हो चुका है गाइस, नाउ इट इज मैक्रोटेक डेवलपर्स। ये डेवलपर है, ठीक है, ये समझ में आता है, रियल एस्टेट की कंपनी है, डेवलपर है, डेवलपर है। तो कंपनी बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करती है। इट इज अमंग द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स इन इंडिया, सोच के देखिए, विद अ प्रेजेंस इन MMR मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन एंड पुणे मार्केट्स। महाराष्ट्र की लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है और इंडिया की लीडिंग है, समझ लीजिए। 61,000 करोड़ का मार्केट कैप, जिसका नाम लोगों ने नहीं सुना, वो कंपनी कितनी बड़ी है। सुपर करंट प्राइस है 1,287 करोड़ के आसपास का, मतलब बॉम्बे में वैल्यूशन मिल रही हैं आपको, बॉम्बे में इन्वेस्टमेंट आ रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं हुई। इंडस्ट्री का P26 का है और कंपनी परफॉर्म कर रही है थोड़े महंगी पी पे, 63.3 पे ट्रेड कर रही है और कंपनी का EPS है 22.23 के आसपास में। अगर पिछले साल का डेट दिखाया तो कंपनी डेट तो होता ही है, रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर में 18,000 करोड़ के आसपास का डेट है। कैश इक्विवेलेंट है 700 करोड़ के आसपास में, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी है 2.05 का, थोड़ा सा महंगा दिखाई देती है कंपनी। बट यहाँ पे अगर कहानी देखी जाए कि कौन किस में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वीक हैंड वीक हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो हम देख लेते हैं, तभी हमारा खेल और अच्छे से समझ में आएगा, तभी हम डिसीजन और भी अच्छे से ले पाएंगे। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जून 2021 से हमारे पास ये डेटा है, पहले कंपनी लेटेस्ट है, इससे पुराना डेटा हमारे पास नहीं है, लेटेस्ट कंपनी है बिल्कुल। प्रमोटर्स अपना माल जहां 88% होल्ड कर रहे थे वो 82% होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है, प्रमोटर्स ने माल बेचा है। FIs की अगर बात करें तो FIs 8.73% होल्ड कर रहे थे, FIs ने अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग किया है। कहां से निकला कहां गया वो, पब्लिक के पास तो कुछ है ही नहीं भाई, पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं, DIs ने ही बढ़ाया है। तो बेसिकली ये कंपनी और भी सॉलिड हो जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कोविड चला गया, ओमिक्रॉन चला गया, माहौल खुल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट, मैंने आपको कहा था अगले 6-8 साल के बूम पे होने वाला रियल एस्टेट, मेरी बात को याद रखना कि विपुल ने ऐसी बात कही थी बहुत साल पहले। मैंने आपको पहले इंफ्रा और सीमेंट के बारे में 3 साल पहले बोल दिया था कि चलने वाला है, आज मैं आपको रियल एस्टेट के लिए बोल रहा हूँ कम से कम 6-7-8 साल का बुल रन आने वाला है रियल एस्टेट और इंफ्रा के शेयर्स में। तो मेरे हिसाब से अपने अपने पिक्स आप एनालिसिस कर लीजिए और आपके हाथ से कोई ये ट्रेंड मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे लोढ़ा कहिए या फिर आप मैक्रो डेवलपर्स कहिए, मेरे को ये भी कंपनी बहुत ही अच्छे से समझ में आती है, मैक्रोटेक डेवलपर कहिए या लोढ़ा कहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपनी जहाँ FIs ने स्टेक बढ़ाया है वो सुप्रीम
इंडस्ट्रीज है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में क्या है, चलिए सुप्रीम को देख लेते हैं। लास्ट ऑफ द लीड सुप्रीम इंडस्ट्रीज कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस आप घर बैठ के कर लीजिएगा। हिंट आपको दे देता हूँ, बहुत ही क्लियर है। इट इज द लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, हैविंग 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। लीडर लोडा कौन था, लीडर सुप्रीम लीडर। आप सोचिए एफआईज कहां पैसे लगाते हैं, एफआईज पैसा ही वहां लगाएंगे जहां उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा ली जा सके, समझिए जहां पे पैसा चला जाएगा। 25,000 करोड़ की कंपनी है, कोई मजाक नहीं है। इंडस्ट्री का पी जहां 29 का है वहीं ये कंपनी सस्ती ट्रेड कर रही है, 23 के पी पे है, तो अंडर वैल्यूड आप इसको कह सकते हैं। कंपनी की बुक वैल्यू 264 की है, इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है 1400 रुपये आसपास की, 1339 की ये, और अभी करंट प्राइस है 2000 के आसपास में, 1997 के आसपास में, तो फेयर पोजिशन है मेरे हिसाब से। कंपनी के अंदर पिछले साल जो डेट था वो 441 करोड़ के आसपास था, बट अभी कंपनी के पास उसके बदले में 340 करोड़ के आसपास में कैश भी अवेलेबल है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट नहीं ले, तो कंपनी कहीं ना कहीं डेट फ्री हो जाती है ऑलमोस्ट। अब यहां पे समझने वाली बात है, क्या यहां पे भी वही गेम दिखाई देता है, चलिए देखते हैं, उस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं इन्वेस्टर कॉलम के अंदर में, गेम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि माल कहां से कहां जा रहा है, स्ट्रांग हैंड से स्ट्रांग हैंड में। अब यहाँ पे प्रमोटर्स को देखें, प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो बिल्कुल स्टेग्नेंट है, 48.85% के प्रमोटर अपना माल नहीं बेच रहे हैं। एफआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई 10% से 16 किया है, एफआईज ने अपना बढ़ाया है 10 से 16 किया। कहाँ से आया है वो, डीआईएस ने, डीआईएस ने बेचा है, 25 से 19 हुआ है डीआईएस का, तो डीआईएस ने बेचा और एफआईज ने खरीदा। पब्लिक के पास 15% है, थोड़ा बड़ा माल पब्लिक ने बेचा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और अगर देखा जाए तो प्रमोटर एफआईएस की होल्डिंग को मिला के मोटा मोटा 60% के आसपास हो जाती है, तो यहाँ पे ये कंपनी भी अच्छी खासी दिखाई देती है। तो यहाँ पे समझिए ये सभी वो कंपनीज है जहाँ एफआईएस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे थे जहाँ एफआईएस स्टेक बढ़ा रहे हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो में उनको शामिल करना है तो डीप एनालिसिस करके ही शामिल कीजिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन हिट करना ना भूले। और हाँ, नॉलेज पे सभी का अधिकार है, मैंने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है एक लाइक दबाने के साथ साथ में दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे किसी फैक्ट्स के साथ में, बने रहिए।